नमस्कार। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू, जो बारिश जो हो रही है, सबको अच्छा लगता है बारिश, बारिश का मौसम। लेकिन जब बारिश इतनी ज्यादा हो जाए कि एकदम जो है डेली कामकाज हमारे बंद हो जाए, सड़कें बंद हो जाए और ऑलमोस्ट एक बाढ़ लाइक स्थिति हो जाए, तो ये वाकई ही एक चिंता का इशू है। 19 अगस्त को 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के दौरान 70 मिलीमीटर बारिश जो है दिल्ली में ही केवल रिकॉर्ड की गई, और ऑलमोस्ट काफी जगह जो थे एकदम पानी से भर गए थे। आसपास के जो बाकी इलाके हैं दिल्ली से जो सटे हुए हैं, गुड़गांव है, गुरुग्राम या गाजियाबाद या नोएडा, काफी बारिश हुई। ना केवल इन शहरों में बल्कि बाकी शहरों में भी, मुंबई अगर आप ले लें। तो क्या हो रहा है हमारे वेदर को? क्या ये एक नॉर्मल फिनोमेना है मॉनसून को लेके है, कि क्या वाकई ही जो हमारा जो पूरा जो एक ढांचा जो है क्लाइमेट का, उसमें कोई बदलाव आ रहा है? तो बहुत बहुत हम आभारी हैं अंजल प्रकाश जी के साथ, जो हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं गो न्यूज में। आप एक को ऑथर हैं IPCC, जो विश्व की एक बॉडी है क्लाइमेट चेंज को स्टडी करती है। आप उनके काफी उनके जो रिसर्च पेपर्स पे आप को ऑथर रह चुके हैं और अभी भी को ऑथर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बारिश को अगर लेके हम बात करें, तो क्या ये नॉर्मल है या चिंता का इश्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंटेंसिटी जो है रेनफॉल की काफी बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बुलाने के लिए और इस विषय पे चर्चा करने के लिए, कि ये बहुत ही अहम विषय है आज के दिन के लिए। आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से। कुछ हफ्ते पहले आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, जो वीडियोस देखे होंगे, मुंबई सिटी जो वाज अंडर ग्राउंड। तो ये जो चीजें हैं, ये हम एज पार्ट ऑफ आईपीसी साइंटिस्ट, हम लोग ये करीब 5-6 साल से हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके मेन मुद्दे में जो लास्ट हमारी रिपोर्ट आई है, उसको बोलते हैं कि एसरॉक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियंस एंड क्राइसफियर। हम लोगों ने करीब 7,000 रिसर्च पेपर्स को एक एनालिसिस किया और हमें ये बहुत कॉन्क्रीट तरह से पता चला कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये दिस इज यू नो ये क्लाइमेट चेंज जो है वो है। पहले ये थी, कुछ दिनों पहले से बात हो रही थी कि क्लाइमेट चेंज सही है कि गलत है, बट अब जो है ये प्रूव हो गया कि क्लाइमेट चेंज इज हियर टू स्टे, इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग आवर लाइव्स नाउ। अब प्रॉब्लम या अब जी जी तो बताइए। मेरा सवाल यही था कि जो हम अभी देख रहे हैं, क्या ये क्लाइमेट चेंज का एक पहलू है या ट्रेलर है, या वाकई जो नॉर्मल वेदर फिनोमेना होता है कि कभी ज्यादा बारिश होती है कभी कम बारिश होती है, आपके हिसाब से क्या है ये? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, हम इसको न्यू नॉर्मल बोलते हैं कि अब चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं। अभी आप देखिए कि मुंबई का अगर हम डेटा निकालेंगे तो 4 या 5 दिनों में 78% अब जो बारिश होती मुंबई सिटी में और आसपास के सिटीज में, उसकी 4% जो बारिश 78% बारिश पिछले 4 दिन में हो गई थी। दिल्ली में भी अभी हम जो डेटा हम देख रहे थे बहुत रिसेंटली, 4-5 दिनों में 50% बारिश जो होनी चाहिए थी पूरे सीजन में, वो 4-5 दिनों में हो गई। तो इसको हम क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, मतलब कि क्लाइमेट में इतने चेंजेस हो गए कि कभी अतिवृष्टि होगी कभी अनावृष्टि होगी। अतिवृष्टि का मतलब यह है कि आपको कम दिनों में जो रेनी डेज होंगे वो बरसात के दिन कम होते जाएंगे और आपको 1 या 2 दिन में पूरे 30 या 40% 50% बारिश होगी। अनावृष्टि का मतलब है कि आप फिर लॉन्ग स्पेल आपका होगा जिसमें आपके सुखाड़ की स्थिति आएगी, और ये स्थिति जो है बहुत इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि जो बारिश जब होगी, एक तो मतलब जो दिन होंगे वो कम हो जाएंगे, बट जब होगी एकदम घमासान बारिश होगी, और वही एक तरीके से हम जब देख रहे हैं जमीन की भी तो क्षमता है जितना पानी सोखने की जो होती है, अगर इतना पानी पड़ जाए ये तो काफी चिंता का इश्यू है, क्योंकि फिर हमारे क्या हमारे शहर इक्विप्ड हैं, तैयार हैं इससे निपटने के लिए? जी, प्रॉब्लम यही है और जो चिंता का बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे शहर और गांव अभी भी तैयार नहीं है। और खासकर आप देखें तो साउथ एशिया और स्पेशली इंडिया में, जहां पे एक 1.3 मिलियन बिलियन लोग रहते हैं और शहरों में करीब 30 से 40% लोग रह रहे हैं, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम यह है कि हमारे शहर अभी तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये इस तरह की सिचुएशंस आएंगी, अभी आप बारिश का मौसम देख लीजिए, फिर हीट वेव आएंगे, तो ये सब जो इवेंट्स हैं, क्लाइमेट लेड इवेंट्स हैं, इसके लिए शहर को तैयार होना पड़ेगा। अभी मुद्दा यह है कि किस तरह शहर शहर तैयार हो। तो सबसे बड़ी बात है कि जो
हम कहते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पाइपलाइंस हैं, जो हमारे जो ड्रेनेज व्यवस्था है, इन सबको दुरुस्त करना पड़ेगा और इन सबको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जो नए नॉर्मल है, जिस तरह की अभी बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो इसमें वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दुरुस्त हो जाए, सो जाए, जिसके कारण पानी जो है उसका निकास जो है बहुत आराम से हो सके। एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा सिद्धार्थ यहाँ पे, कि हमने जब जो हमारा जो जिस तरह से शहरी विकास हो रहा है उसमें हमने पानी और फॉरेस्ट, जो ग्रीन और ब्लू हम बोलते हैं इकोनॉमी है, वो जो ये दोनों चीजों को हम देख नहीं पा रहे हैं। इन अ सेंस व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी आर नॉट एबल, वी आर इंगल्फिंग द फॉरेस्ट बॉडीज, द फॉरेस्ट दैट ही हैव अर्बन फॉरेस्ट देयर। हम लोग पानी के ऊपर घर बनाते जा रहे हैं, जहां लेक है, जहां पानी की है वहां पे हम घर बना जा रहे हैं। सो जो हम पानी के घर में घुस रहे हैं, पानी हमारे घर में नहीं घुस रहा है। दूसरी बात की जो हम शहरीकरण, जो हमारा शहरी ब, आ, आ, हमारा जो आगे एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक्सपेंशन के कारण भी हम जो जो पानी के एरियाज हैं, जो कि वाटर बॉडीज का एरिया है, पहले आप समझिए कोई झील हुआ करती थी, कहीं समझिए कि आप बहुत छोटे छोटे फॉरेस्ट हुआ करते थे, छोटे छोटे गार्डन हुआ करते थे, ये सब हम धीरे 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 हम उसको पार्ट करके घर पे बनाए जा रहे हैं। और इसमें बिल्डिंग रेगुलेशंस की बहुत बड़ी अहमियत है कि आप इस तरह से शहर का विकास करें कि एक तो ड्रेनेज लाइन सिस्टम्स वो अच्छी हो, जो नॉर्थ नेचुरल सिस्टम्स होते हैं शहर के, जिसमें अपने आप पानी उतरने का सिस्टम होता है, उसको भी हमने ब्लॉक करके रखा है, छुप करके रख दिया है। तो अब पानी का निकास ही होने का की जगह ही नहीं है, और हमने जितने रोड्स बनाए हैं उसके कारण शहर भी पार्ट किए हैं कि पानी अंदर भी जमीन के नहीं घुस सकता है। तो इसलिए हमारा जो एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इस तरह के शहरीकरण का जो विकास का जो हमारा मॉडल है, ये कहीं इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाता है, इन्वायरमेंट के साथ नहीं जाता है, एंड वहां पे मेजर प्रॉब्लम है। और ये आप देखेंगे तो खाली इंडिया में नहीं, आप पूरे साउथ एशिया में इस तरह के एक्सपेंशन की हम देख रहे हैं, जहां पे सिटीज बड़े बड़े एक्सपेंड हो रहे हैं लेकिन बिना एक्सेस के पानी और जंगल की समस्या के ऊपर। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। 2028 तक यूनाइटेड नेशंस का ही एस्टिमेट है कि दिल्ली जो है सबसे आबादी वाला शहर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। करीबन 37 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, ऑलरेडी नंबर 2 पे है। तो ऑलरेडी हमारी अभी जो है जो लोग दिल्ली में रहते हैं एकदम वाकिफ है कि एक तरीके से काफी जो है रिसोर्सेज जो है, चाहे वो सड़क स्पेस हो, पानी की व्यवस्था हो, बाकी चीजें हो, ये तो सब सीमित हैं। ऑब्वियसली हम कितना क्रिएट करेंगे, और अगर हम 2028 तक, जो ज्यादा कितने अभी 8 साल ही बाकी हैं उसमें, नंबर 1 पॉइंट पे होगा, सो इससे कितना चिंतित हैं जिस तरीके से शहरीकरण और जिस रफ्तार से हो रहा है। जी, सो ये शहरीकरण की जो रफ्तार है आपको उसका मतलब भी समझना पड़ेगा, इन अ सेंस कि क्या पैटर्न है ना। तो एक तो ये है कि जो लोग शहर में रह रहे हैं वहां उनसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लेकिन दूसरा एक और भी है कि हमारा रीजनल डेवलपमेंट जो हुआ है वो उसका उसकी सोच बहुत हुई नहीं है, इन अ सेंस कि व्हाट हैज हैपेंड इज दैट वी हैव ओनली 4 मेजर सिटीज, मेगा सिटीज यू कैन सी। हमारे पास छोटे छोटे शहर हैं लेकिन उसपे उतना फोकस नहीं हुआ है। कुछ सरकार अभी कुछ सालों में सरकार ने अभी हम कहते हैं 7-8-10 सालों में सरकार ने बहुत सारे नए स्कीम्स लाए हैं जिसपे ये सोच आगे बढ़ी है, लेकिन इसका जो पूरा जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसमें बहुत अभी कमी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो शहरीकरण हो और उसका बढ़ाव इस तरह हो कि आप उसमें सभी लोगों की क्या इक्वल की भागीदारी हो। फॉर एग्जाम्पल, शहर तो जब हम आप देखिए तो गरीबों के लिए शहर जो है एकदम सुटेबल नहीं है। अब एक गरीब आदमी, आपने देखा होगा अभी जब कोविड हुआ था तो जिसमें लोग शहर से दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे, वापस गांव जा रहे थे, आप उनकी हालत देखकर के आप ये समझ सकते हैं कि शहर ने उनके सर्विसेस लिए हैं लेकिन उसके बदले में उनको कुछ दिया नहीं है। उनके घर आप जाके देख लीजिए तो इतने महंगे महंगे घर हैं। तो ये अभी अगर आप कोई आवास योजना इस तरह निकाले जिसमें गरीबों का भी उस एक ही तरह का स्थान हो, जिसमें वो गरीब आदमी भी जब अगर बाहर से आए अपने सर्विसेज देने के लिए तो उसका इम्पोर्टेंस हो, उसको कम से कम बेसिक सुविधाएं जो हैं रहने की, खाने की और वाटर सैनिटेशन की, वो उसको मिल सके। तो ये जो हमारा अनप्लान्ड ग्रोथ है, एक तो वो बात है, ये स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाता है कि कई सारी सूची है स्मार्ट सिटी, बट लगता नहीं है काफी स्मार्ट है सिटी, अगर एकदम थोड़ी बारिश, थोड़ी नहीं काफी बारिश एकदम ठप कर दे सिटीज को तो।
गुरुग्राम तो मिलेनियम सिटी है, आप मिलेनियम सिटी बोलते हैं उनको, तो आप सोचिए जब मिलेनियम सिटी की का ये हालत होगा तो आप छोटे शहरों और दूसरे जो शहर जो अभी उभर के ही आ रहे हैं उनका क्या हाल है। तो हमारे यहाँ बहुत ये सोच की का परिवर्तन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आप ये देखिए कि क्लाइमेट जो रिस्क है, इस तरह के जो रिस्क है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आपके सिचुएशंस ऑलरेडी एग्रीवेटेड है, प्रॉब्लम है आप में, उसके ऊपर से ये नया जो है एक मतलब कि समझिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। तो इसके लिए हम तैयार कैसे हों, इज अ मेजर इशू दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को आई थिंक टच किया कि ये डायरेक्टली डेवलपमेंट से भी लिंक्ड है, क्योंकि जहां एक तरीके से आपकी टॉप सॉइल नष्ट होती है, अगर जमीन बंजर होती है, मुझे याद है कि UNCCD जो है कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, उनकी एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी कि सीधे इम्पैक्ट डालता है ये आपके GDP पे। शायद जर्मनी का एक उदाहरण दिया था कि चाहे 2% शायद उनकी इकोनॉमी को एकदम हिट हुआ था जब एक तरीके से जब पानी कम था, ड्राउट लाइक सिचुएशन हुई थी। ऑब्वियसली अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे जो पर्यावरण को भी नष्ट कर रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव ना केवल इमीडिएट वहां होगा, बट ऑब्वियसली अगर जमीन इफेक्ट होती है या फॉरेस्ट इफेक्ट होते हैं या हमारे पानी के स्रोत डिस्ट्रॉय होते हैं या कम होते हैं, जैसे आपने कहा कि पानी की वाटर बॉडीज को ही बंद कर दिया गया है, ये इसका सीधा परिणाम इकोनॉमी पे भी पड़ेगा ना। तो जिस तरीके से कई बार बात की जाती है कि इन्वायरमेंट वर्सेज डेवलपमेंट, ये कितना आप इसका देख रहे हैं एक तरीके से प्ले आउट? आप ये देखिए कि कभी अगर ये पूरा का पूरा शहर अगर स्टैंड स्टिल हो जाता है 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आपने ये सोची कि कितना इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, हमारे एक दूसरा पहलू है कि कोस्टल सिटीज, फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मेजर सिटीज आर इज ऑल्सो कोलकाता हो गया, गोवा हो गया, विशाखापट्टनम है, मुंबई है, ये कोस्टल सिटीज हैं। अभी हमारी जो रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, उसमें हमने ये देखा था कि ये कोस्टल सिटीज बहुत रिस्क में है, और रिस्क में इन सेंस कि उसमें बहुत ज्यादा झंझावात आने वाले हैं, उसमें जितने भी साइक्लोन्स आने वाले हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और सिवियरिटी भी बढ़ने वाली है। आप ये सोचिए कि अगर एक सप्ताह के लिए भी अगर इस तरह से डिस्ट्रप्शन होता है, इसमें इकोनॉमी में कितना कितना असर होता है। तो क्लाइमेट चेंज का बिजनेस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस है, और ये बात जो है अगर हम जितनी जल्दी समझ सके उतना अच्छा होगा, कि नहीं तो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो बहुत ही ग्रेव होने वाले हैं, एंड हो ही रहे हैं ऑलरेडी। सो बहुत सारे जो फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेसेस हैं, वो लोग इसको क्लाइमेट चेंज को अपने प्रोग्राम प्लानिंग में इंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो सरकार है वहां से बहुत सोच जो है बहुत अच्छी तरह से निकल के नहीं आ रही कि इसको किस तरह से टैकल कर सके, है ना। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको क्लाइमेट रिजिलिएंट बनाएं, कोई भी सिटी हम प्लान कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, या अभी एग्जिस्टिंग सिटीज है, ये बहुत सिंपल, गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम्स को हम हर साल आप देखते हैं, अभी कल अगले साल बारिश होगी आप फिर वही देखेंगे। तो ये जो है इसको कोई इसको समझ के ये क्यों नहीं लगता है कि ये अगले साल नहीं होना चाहिए, देयर इज नो पॉलिटिकल विल दैट दिस शुड स्टॉप, है ना। तो ये बातें जो है बहुत मुश्किल से हमें, हम लोग जितने रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट हम लोग इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिसी में इंडक्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट वी साइंटिस्ट फेस। शहरीकरण की बात करें तो बिल्डिंग लॉज इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि पानी और जो भी ओपन एरियाज हैं उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। अब मुंबई में फॉर एग्जांपल जितने डेवलपमेंट हुए हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट को हमने बहुत सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंड आप जब समझिए एक मुंबई का ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ऐसा जियोग्राफिकली है कि वो बच जाते हैं हर बार साइक्लोन से, क्योंकि साइक्लोन का जो एक छोटा सा उनका एक गल्फ है जिससे वहां से निकल जाता है। तो वो तीन चार बार हुआ कि साइक्लोन बहुत सीवियर होने वाला था लेकिन वो बच गया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बात यह है कि आज न कल तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो तेज होने वाले हैं, और इसमें हमको अपने आप को बचाने के लिए हमको अपनी प्लानिंग अच्छी से करनी पड़ेगी। तो आपके हिसाब से क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, मेन ठोस कदम क्या हो सकते हैं, अगर आप संक्षेप में बता सकें, आम नागरिक क्या कर सकता है और सरकारें क्या कर सकती हैं ताकि बेटर थोड़ी प्लानिंग हो, ताकि इस स्थिति से, जैसे आपने कहा मुंबई में जो एकदम लक एक तरीके से है कि साइक्लोन आया लेकिन मेन मुड़ गया वो पहले, बट आपका कहना है कि बस कभी ना कभी तो आएगा और फुल इंटेंसिटी के साथ आएगा, तो क्या हम स्टेप्स उठा सकते हैं नागरिक और सरकार?
इसमें हम मैं आपको पांच मुख्य मुद्दे जो हैं उस पर मैं फोकस करूंगा। पहला है कि हमारा जो प्लानिंग होना चाहिए वो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट रिजिलियंट प्लानिंग होना चाहिए। एनवायरमेंट प्लानिंग इस तरह से कि हम जो जितने अवेलेबल रिसोर्स हैं शहर में या गांव में भी, जो पानी की निकासी है, पानी जहां है, जंगल जहां है, जमीन जहां है और लैंड ऑल्सो, इनको प्रोटेक्ट करते हुए हम कोई भी डेवलपमेंट का प्लान करें, वो पहला मुद्दा है। दूसरा कि जो हमारा व्हाट वी कॉल द ब्लू एंड दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन इज ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू का मतलब है जो पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, बहुत आप देखिए तो बहुत इंट्रिकेट सिस्टम था साउथ इंडिया में, टैंक सिस्टम जो थे, एक बारिश होती थी और वो आप पूरे दक्कन ट्रेल में, दक्कन प्लेटो में पानी एक जगह बारिश होती थी पूरे नीचे तक पहुंच जाता था। हमारे यहाँ 400, 500, 1000, 2000 साल पुराने पुराने पानी के सिस्टम्स हैं जो आज भी खड़े हुए हैं। आप चंदेला टैंक्स देख लीजिए जो मध्य प्रदेश में है, वो टैंक्स बनाए हुए थे कितने साल पुराने हैं, 2000, 3000, 5000 साल पुराने टैंक्स आज भी खड़े हुए हैं। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमने कभी ऐसे बनाया नहीं, हमने कभी ऐसा देखा नहीं, हम उसको बहुत सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये पहला मुद्दा हमारे पास है। दूसरा है तो हमें जो दो चीजें हैं, पहले तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, उसको डेवलप करना है, और हमारी जो प्लानिंग होगी वो एनवायरमेंटल प्लानिंग होनी चाहिए जो कि अर्बनाइजेशन में इसके अगेंस्ट नहीं हो। अर्बन प्लानिंग और एनवायरमेंटल प्लानिंग साथ साथ जुड़े जुड़े रहे, ये तो हो गया। फिर मुद्दा ये आता है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम्स है, शहरीकरण में आप जब बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम्स को आपको पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ अभी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रेन पानी का निकास कहाँ हो रहा है, पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। अभी क्या हिसाब से जो भी हमारे जितने भी चैनल्स हैं, जो नेचुरल चैनल्स हैं, उसको हमने पार्ट करके उस पर घर बना लिए हैं। तो आप ये सोचे कि अगर उसको पानी का निकास को आप जगह ही नहीं देंगे तो पानी जाएगा कहाँ। और दूसरा कि वो पहले जब वो पानी निकलता था तो वो पानी जमीन में भी जाता था, तो आपका ग्राउंड वाटर बढ़ता था। ग्राउंड वाटर इज लाइक योर फिक्स डिपॉजिट, तो आपका फिक्स डिपॉजिट है, आप डाल दें इस साल 3-4 महीने डाल दें और सालों भर आप उस फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से खाते हैं और ओवर द इयर्स आपके जो है वो बढ़ते हैं। और इसमें देखिए आप अभी ये देखिए इस 2-3 दिनों में दिल्ली और गुरुग्राम में आप इतनी सारी बारिश हुई, अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम रहता ये पानी अगर आधा भी जितना बारिश हुआ उसका आधा पानी भी जमीन के अंदर चला जाता है तो आपका ग्राउंड वाटर सिस्टम रिचार्ज होता है, लेकिन हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, हमने वो पार्ट नहीं है पूरे सिस्टम जो कि आपको आपके पानी को रिचार्ज कर सके। और लास्ट पॉइंट मुद्दा जो मैं आपको कहना चाहूंगा उसमें ये है कि आपने ही कहा था कि इतने जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है ना, तो आप जब देखें कि इस पॉपुलेशन अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर एक्चुअली ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास आर एट द सर्विस ऑफ दीस अदर पीपल हु आर ऑलमोस्ट 50%। तो आप ये सोचे कि हमारे शहरी जो प्लानिंग है उसमें गरीबों का की जगह कहाँ है, उनको किस तरह से हम प्रोटेक्शन देते हैं और किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब जो लो लाइंग एरियाज हैं फॉर एग्जाम्पल उसमें आप दिल्ली में यमुना का जो पूरा लो लाइंग एरिया, वहाँ पे स्लम्स में कौन रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो जब बारिश का पानी आता है घुसता है उनके घर में, सबसे पहले घुसता है स्लम में, सबसे पहले घुसता है, उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये वाला जो मुद्दा है इसको भी हम बहुत स्ट्रांगली हम प्लानिंग में लाएं और हम ऐसा प्लान करें कि शहर जो है वो गरीबों के लिए उतना ही हो जितना अमीरों के लिए। और बहुत संक्षेप में आम नागरिक क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली सवाल है कि यहाँ शहर छोड़ के जाएं तो कहाँ जाएं, कामकाज है तो ये भी शायद ऑप्शन नहीं है कईयों के लिए। जिस तरीके से हमने आप देखा कि जो वर्कर्स हैं जो जिन्होंने शहर बनाए उनके लिए जगह जब नहीं थी उनको छोड़ के जाना पड़ा, क्या ऐसी स्थिति सबके लिए भी होगी क्या अगर इस तरीके से चलता रहा? एक छोटी सी बात मैं कह दूं आम नागरिक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी है, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास में तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है लोगों करना, इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो आपके छत पे पानी गिरता है, जो आपके सोसाइटी में पानी गिरता है, वो सिंपल पाइप लेकर के आप सोक पीट बना के डाल सकते हैं और हमने कैलकुलेट किया है इसमें सिंपल 5,000 से लेकर के 25,000 के बीच में आप ये काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आपका आउटफ्लो है। और उसमें हमने देखा है और मेरे खुद की सोसाइटी में है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, हमारे यहाँ 3 महीने हम लोग टैंकर में पानी लाते थे। हमने ये जब हमने सोसाइटी बनाई तो मैंने खुद इसको बहुत स्ट्रांगली कहा कि हमें बनाना चाहिए। उस समय हमें करीब 50-60 हज़ार का खर्च आया था और हमारे अभी हम 10 साल हो गए, हमें एक पैसा का टैंकर जो है हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे खुद के बोर रिचार्ज होते हैं, हर साल रिचार्ज होते हैं और हमारा पानी ओवरफ्लो करता है बोर से क्योंकि इतना है। तो ये बहुत छोटी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मिडिल क्लास सोसाइटीज। आई विल रेकमेंड कि आप प्लीज रेन वाटर हार्वेस्ट करें और सरकार के नियम की का वेट नहीं करें कि सरकार बोलेगी तभी हम करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं और बहुत सिंपल है।
प्लीज रीच आउट टू पीपल, एनजीओज आर देयर जो कैन हेल्प अस, तो आप रीच आउट करें, आप अगर किसी को मुश्किलात हैं हमें लिखें, हम आपको प्लीज हेल्प करेंगे, ये छोटी सी चीज है, इससे बहुत बहुत फायदा हो सकता है। अंजल प्रकाश जी जो रिसर्च डायरेक्टर एंड एडजंक्ट एसोसिएट प्रोफेसर एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैं और को ऑथर हैं कई आईपीसीसी की जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं, जो यूएन की बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज को स्टडी करती है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।